दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हो, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज़ है 15x45। जी हाँ दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल डिज़ाइन किया है। 15x45 फिट है और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, आप देख पा रहे हो कि जैसा कि, और यहाँ पर आपको पर्याप्त स्पेस मिलता है, दो बेडरूम मिलते हैं और फ्रंट में आपको स्पेस भी मिलता है जहाँ पर आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन है। फ्रंट व्यू की बात करें, सामने से बात करें, तो ये मॉडल आपको ऐसा देख पाएंगे। और अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप से फ़िलहाल ये ऐसा देखेगा, साइड व्यू आपका 3 साइड क्लोज्ड है और फ्रंट से आपका ये मॉडल ऐसा देखेगा। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे 15x45। उससे पहले हम आपसे गुजारिश ज़रूर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक इस माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। हमारे चैनल पर दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, मल्टीपल्स वीडियो आपको मिलेंगे। आपका जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपका घर जिस टाइप का बनवाना चाहते हो आप देख सकते हैं, और उस टाइप का घर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलो हमेशा के तरीके हम इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे इस मॉडल को आप ट्रांसपेरेंट करते हो तो ये देखिएगा, मॉडल आपको ऊपर से नीचे तक बेहतरीन से दिख जाता है विथ फर्नीचर। इस घर पे करके क्या क्या रखा गया, फ्रंट की बात करें और आप देख सकते हो, टॉप से ऐसा दिखेगा, साइड की बात करें तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट की ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला 15x45 में। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंसी रिमूव करने के बाद हमें इसको ले चलते हैं ओरिजिनल पोजिशन पर और ले चलते हैं इसको फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आप आते हैं, मैं आपको जूम करता हूँ, तो फ्रंट की बात करें, सामने से ये आपका रोड निकला होगा, ये मैंने चढ़ने के लिए ऊपर बनाया, ये बाउंड्री है, यहाँ पर मैंने ओपन दिया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो इसको क्लोज्ड भी कर सकते हैं। जैसे मेन रोड से एंट्री करते हो, ये आपका स्पेस मिल जाता है जहाँ पर बाइक पार्किंग, अदर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। इसका जैसे एंट्री करते हो तो आपको एक बेहतरीन से बेडरूम मिलता है, गेस्ट रूम। फ्रंट से मैंने ग्लास का डोर दिया है, विंडो दिया है, और साइड से ये देखिएगा आपका, जब गैलरी से आते हैं तो ये आपका डोर है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे, और ये आपका गेस्ट रूम है जिसमें सोफ़ा वगैरह मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। अब इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका देखिएगा, इसी रूम के सटे से आपका स्टेयर्स गया है और जाकर फिर मुड़ गया है अंदर को, और ये आपका एल साइज का स्टेयर्स है, उसी के नीचे लेटरिन और बाथरूम मैंने कम्बाइंड किया है, लेटरिन के और बाथरूम के लिए ये डोर दिया है। और पीछे की बात करें सबसे पीछे की, तो सबसे पीछे आपको एक ये बेडरूम मिलता है, ये देखिएगा, इसका डोर मैंने फिलहाल इस तरफ से दिया है, और ये किचन आपको फ्रंट गैलरी के जस्ट सामने किचन मिल जाता है। सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 फिट पीछे से किचन बनाया है जिसमें आपका ये डोर लग सके, और ये आपका मैंने यहाँ विंडो भी दिया है, ये आप पर डिपेंड करता है विंडो देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इसे 15x45 फिट में 2 बेडरूम मिलते हैं और आपको स्टेयर्स मिलती हैं और लेटरिन बाथरूम मिलती है। फ्रंट की बात करें तो ऐसा दिखता है। तो ये पूरा मॉडल था ग्राउंड फ्लोर, सेम टू सेम इसका मैंने फर्स्ट फ्लोर भी डिज़ाइन किया। ये देखिएगा, यहाँ पर 2 बेडरूम और आपका लेटरिन बाथरूम किचन सब मिल जाता है, और बस यहाँ पर फ्रंट की डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर आते हो तो फ्रंट की डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पर स्टेयर्स जो आपकी इसकी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, मैंने जो डिज़ाइनिंग किया है, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के दोस्तों पार्ट है। लास्ट फ्लोर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये आपका बाउंड्री है, रेलिंग है, और चारों तरफ बाउंड्री मैंने दे दी है 4 से 5 फिट, 3.5 फिट का अप्रॉक्स। तो ये फ्रंट लुक है और मैंने पूरा मॉडल डिस्कस कर दिया ऊपर से नीचे तक। ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों हमें आप सपोर्ट जरूर किया करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और आपका अगर कोई भी मॉडल है तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपका मॉडल जरूर बनाएंगे। थैंक्स।